वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लाए हैं अपने इस चैनल पे ग्राफिक्स कार्ड, कौन सा आपको इस टाइम पे लेना चाहिए, मतलब बेस्ट ऑफ थ्री ग्राफिक्स कार्ड। और कुछ बोनस पॉइंट भी मैं दूंगा। तो आज हमारे चैनल पे हम आपको दिखाएंगे कि कौन से बेस्ट मतलब आपको ग्राफिक्स कार्ड रहेंगे, मिड से लेके थोड़े हाई, मतलब पॉपुलर कार्ड भी हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस कार्ड में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई लोग सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को, केवल वीडियो से एंजॉय करते हैं। तो ठीक है, आप एंजॉय करिए। और इस कोरोना भाई महामारी जो चल रही है उसमें आई होप आप लोग सारे लोग ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्राफिक्स कार्ड बताएंगे कौन सी ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए लेना अच्छा रहेगा, मतलब मिड रेंज से लेकर थोड़ा अच्छे ग्राफिक्स कार्ड के, और उसकी प्राइस भी आपको शो करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं अमेजोन हमारे सिस्टम पे खुला हुआ है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ये सबसे पॉपुलर और अभी तक का नहीं लेकिन शुरू से चला आ रहा है ये ग्राफिक्स कार्ड। बहुत पहले बंद होना चाहिए था, अभी भी लेकिन बिक रहा है, क्यों बिक रहा है जो भी है। तो इस समय जब ग्राफिक्स कार्ड के रेट बहुत हाई हुए हैं या अभी थोड़े डाउन भी हो रहे हैं, तब भी ये कार्ड अभी भी मतलब ग्राफिक्स कार्ड भाई देखे हो, जैसे जो ऑनलाइन लेने वाले हैं उनके लिए तो भाई ऑनलाइन ही, क्योंकि वो सारे लोग मेट्रो सिटी में नहीं रहते, तो उनके लिए ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑनलाइन में पे ज़्यादा उनको डिपेंड होते हैं कि ऑनलाइन से उनको सामान मिलना है। तो आप अभी भी जो हमारे मिड वाले हैं लोग, गेमर हैं या जो भी जिसको भी जिस तरह का काम हो, तो 1050 Ti को अभी प्रेफर करते हो, आप लोग लेते भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे अमेजोन वेबसाइट पे 1050 Ti है, इसकी प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000, यहाँ पे मतलब 20,000 रुपये में आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये एक फर्स्ट कार्ड ये है अपना, कार्ड बहुत अच्छा होता है, मतलब एक मिड या स्टार्टिंग कार्ड कह सकते हैं इसको, और आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आपको अगर 1050 Ti इस आपको यहाँ MD कंप्यूटर से आप अगर लेंगे तो 100-200 रुपये का आपको इससे फ़र्क मिलेगा। और MD कंप्यूटर भी आपको ऑनलाइन मतलब ये डील करती है और आपके घर पे कार्ड ये पहुंच जाएगा। दूसरा हमारा कार्ड है, अगर आप लेना चाहें तो उसके बाद है 1650। 1650 कार्ड है, 1050 से थोड़ा हाई, 1660 सुपर से लो। तो ये है, आप इस कार्ड पे मतलब दोबारा दूसरे कार्ड अगर जा रहे हैं, थोड़ा हाई जाना चाहते हैं कार्ड, तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। आप कार्ड ये देख सकते हैं 16, मतलब ये जो टैग का कार्ड है 1650, तो इस कार्ड को आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं जो टैग की है, तो ये 26,000 रुपये की, हर मतलब ब्रांड वाइज ये प्राइस चेंज होती रहती है। जैसे जो टैग की 26,000 मतलब 27,000 रुपये की है, और आप ये देख सकते हैं ये कलरफुल की है, 1650 4GB DDR5 RAM है और इसमें DDR6 है, इसके 26,000 रुपये। और इसके देखिए जो कि ये DDR5 के साथ है, तो ये 28,000 रुपये। तो इसमें प्राइस अब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ऑनलाइन पे है, परफेक्ट तो नहीं कह सकते कि कम है प्राइस, कम तो नहीं है प्राइस, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा कम नहीं है ऑनलाइन में, तो आपको ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो ये कार्ड आपको 20 to 22, 20 से 22,000 रुपये में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं ये DDR5 वेरियंट का 28,000 रुपये का है, और जोटेक वाला जो है कि आपको 4 GB उसी कार्ड DDR6 वेरिएंट के साथ आता है। और इस पे एक अच्छी प्राइस हमें मिली है, अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक कार्ड है इसका Inno3D का 1650 DDR6 वेरिएंट, ये आपका 1650 है ये कार्ड, और DDR6 वेरिएंट के साथ है, 4 GB का ये कार्ड है, आप देख सकते हैं। और ये इसकी प्राइस बहुत अच्छी लगी जिस भी रिसेलर ने डाली हो, ये रिसेलर का नाम भी यहाँ आपको दिख जाएगा। एक सेकेंड, मैं रिसेलर देखता हूँ कहाँ पे है, कहाँ गया भाई, सॉर्टेड बाई एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, फुलटन बाई अमेजन, फुल फील्ड बाई अमेजन। तो मतलब ये एक रिसेलर हैं जिन्होंने इस पे डाला हुआ है 20,000 है, मतलब 21,000 रुपये का यह Inno3D का 1650 ट्विन फैन OC कार्ड ये आपको दे रहा है, DDR5 वेरिएंट। तो आप ये कार्ड के साथ जा सकते हैं, इस कार्ड को आप ले सकते हैं, ये कार्ड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको गेम में एडिटिंग में कुछ भी कर लो आप इसे, बहुत अच्छा कार्ड है और प्राइस बहुत अच्छी है इसकी, तो आज ही बाय करिए, ट्विन फैन के साथ आ रहा है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। Inno3D पर आपको 3 ईयर की वारंटी मिल जाती है।
या 1650 सुपर की जगह पे मैं 1660 Ti आपको बोलूँगा लेने के लिए। Ti आप लेंगे तो देखिए ये अभी इस पे आपको इसकी प्राइस जो दिख रही है जो टैग की है 42,999 मतलब 43,000 रुपये का ये दिख रहा है। लेकिन ये अगर आप ये सुपर वर्जन ले वेरियंट ले जाएंगे तो अभी अमेजोन पे बहुत महंगा है, वो अभी भी 50,000 इस तरह से करीब लिस्टेड है। तो उसकी जगह पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस कार्ड के साथ जा सकते हैं। और आप ये एमडी कंप्यूटर में जाएंगे, अगर ये हमारी तीसरी कार्ड है तो इस कार्ड को अगर आप एमडी कंप्यूटर पे देखना चाहेंगे तो ये आप एमडी कंप्यूटर पे देख सकते हैं 1660 Ti। अभी कुछ दिन पहले एमडी कंप्यूटर वाले जो कि उन्होंने ऑफ़र में चलाया था 1660 Ti को, तो ऑफ़र में ये 40,000 रुपये का 1660 Ti ये यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कार्ड हमें लग रहा है इनके वेबसाइट से आउट हो चुका है क्योंकि अभी वो नहीं है। तो उसकी जगह पे आप मतलब यहाँ पे अमेजोन पे उसको प्रीफर कर सकते हैं 1660 Ti लेने के लिए। तो यहाँ से देखिए 1660 Ti का प्राइस यहाँ पे 42,000 मतलब 43 अप्रॉक्स 43,000 रुपये में आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा अमेजोन से। और भी कार्ड हैं इसमें, जैसे आप देखिए इस पे इनके 1650 सुपर कार्ड है जो कि हमने हमें ये एमडी कंप्यूटर की वेबसाइट पर मिला है। तो ये एक मतलब जिस 1650 आप MSI का जितने का लेंगे अमेजोन की हमारी अमेजोन की वेबसाइट से इस पे से MSI का उतने का आपको एमडी कंप्यूटर सुपर वेरिएंट दे रही है, मतलब 26,27,000 रुपये का गीगाबाइट का। फिर से बता दे रहा हूँ गीगाबाइट बहुत अच्छी ब्रांड है, सर्विस के मामले में परफॉर्मेंस मामले में बहुत अच्छी ब्रांड है, आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हो। और ये अभी मतलब मिड रेंज में हमारा सबसे मतलब पॉपुलर ये मेरा हमारा मतलब सबसे अच्छा कार्ड है ये तीसरे नंबर पे। तो इस कार्ड के बाद वही 1650 Ti को आप प्रेफर कर सकते हैं जो कि इस सबसे लास्ट हमारा कार्ड है। तो इस समय कार्ड की प्राइस जो कम हो रही है, कम नहीं हो रही है अभी उतनी, ऑनलाइन तो आपको देखने होंगे। हाँ आप लोकल मार्केट में आप ये 1660 Ti को लेने जाओगे तो 40,000 मतलब 3,000 रुपये और कम होके मिल जाएंगी। और यही बात करते 1650 की तो अब 20,000 आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे एक एक लिस्टेड है भी तो 18 से 20 में मिल जाएगा, अभी 22 तक चला जाएगा हो सकता है। 1050 Ti 16,500 17,000 समथिंग मतलब मिनिमम 16,000 तक तो आपको मिल ही जाएगा लोकल मार्केट में आपको जाने पे। तो भाई आप जैसे भी आप प्रिफर करो, मैं रिकमेंड करूँगा एक बार आप लोकल मार्केट विजिट करो, वहाँ पे पता करो, प्राइस को पता करो, आपकी प्राइस आपको अच्छी लगती है तो आप वहाँ से कार्ड ले सकते हो। तो ये कार्ड हमने जो बताए, ये आप कार्ड जैसे भी आपकी मतलब प्राइस वैल्यू हो उस तरह से आप जितने आपको लेना चाहे जितने आपकी कॉस्टिंग हो मतलब आप जिस बजट जो भी है आपका आप उस हिसाब से ये कार्ड को जाके ले सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।